सोलन के नगर परिषद हॉल में भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को एलईडी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिखाना और सुनाना था। इस कार्यक्रम में सोलन के वार्ड के कार्यकर्ताओं, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और करीब 3000 पन्ना प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इस कार्यक्रम में मुट्ठी भर कार्यकर्ता भी नहीं पहुंचे और सारा हॉल खाली नजर आया। कुछ कार्यकर्ता कुत्तों के साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप और भाजयुमो जिला अध्यक्ष भरत सानी ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री ने युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए ये प्रेरणादायक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी ज्वलंत समस्याओं को जनता के समक्ष रखा गया और उन्हें हल करने का प्रयास भी किया गया। युवाओं से सीधी बात भी की गई। पंजवां जो है एपिसोड मन की बात का था, बहुत ही प्रेरणादायी बातें जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के समक्ष रखी है। चाहे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हो, या अन्य बातों पर जो है वो आज यहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल का कार्यक्रम सोलन में म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में जो है वो आयोजित किया गया था। और इसमें हमारे सोलन के सभी वार्डों से प्रमुख कार्यकर्ता और जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं और दूसरी संस्थाओं के लोग भी इस कार्यक्रम में जो है वो उपस्थित रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस मन की बात के माध्यम से बहुत से जो इस प्रकार के इश्यूज़ हैं, जो ज्वलंत समस्याएँ हैं या जो मौके की बात है, उसके माध्यम से जनता की बात को जो है वो प्रधानमंत्री जी रखते हैं। आज इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। आज जो मन की बात कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया म्यूनसिपल कमेटी हॉल के अंदर, इसमें माननीय सांसद जी महोदय और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, और इस कार्यक्रम को यहाँ पर आज सुना भी गया और देखा भी गया। आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी हमारे MP लोकसभा यहाँ मौजूद थे, और उसके साथ यहाँ पे 250-250 लोगों की मौजूदगी और मोदी जी की तरफ प्यार, उन लोगों को लेकर के आया। और युवाओं के लिए जो मोदी जी ने आज बात रखी है, चाहे वो आगामी एग्ज़ाम्स को लेके हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड को लेके हो, और कई और विषय जो युवाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं, और उससे पता लगता है कि मोदी जी का जो प्रेम युवाओं के प्रति है वो जगजाहिर है, और उससे युवा जुड़ भी रहे हैं और उसका लाभ भी मिलता है।